आज हम 23 नवंबर 2019 को गुड़गांव में आरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क देखने के लिए आरावली कॉलोनी से निकले थे। और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है आईएम गुड़गांव एक स्वयंसेवी संस्था थी जिसके द्वारा ये विकसित किया गया था। इसमें करीब 350 एकड़ जमीन में जो कि साफ हो गए थे जंगल आरावली के, उसमें जो है ये लगाए गए पेड़ पौधे ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों लोगों की मिली भगत से दोनों लोगों ने मिलके इसके पेड़ों को लगाया गया है। यह पूर्णतः देसी पेड़ है। आरावली जो बहुत लंबी प्राचीन है, हिमालय से लगभग 1000 साल पहले की पहाड़ियाँ हैं। और ये आरावली हिल्स जो है रेगिस्तान से दिल्ली NCR और हरियाणा गुजरात को अलग करता है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर है और ये उदयपुर से होकर दिल्ली NCR और गुड़गांव के 3 जिले तक आता है आरावली हिल्स। और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये। हम आरावली हिल्स पे मॉर्निंग वॉक करके आए हैं और ये काफ़ी अच्छी खूबसूरत है आरावली हिल्स। पहाड़ियाँ चारों तरफ बहुत खूबसूरत बसा हुआ है ये। यहाँ पे मोर हैं और जंगली पक्षी हैं, कबूतर हैं, कौवे हैं। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये। ये आरावली हिल्स जो है गुड़गांव में है। और यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं इस संरक्षित क्षेत्र में आरावली हिल्स। ये खूबसूरत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं आरावली हिल्स की और लोग मॉर्निंग वॉक करने निकल के आते हैं यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत है आरावली हिल्स। और यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने निकल के आते हैं। काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। देखिए एक बेटी मॉर्निंग वॉक करती हुई जा रही है। चुप गया। यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और काफ़ी लोग हैं। आप कबूतर हैं और मोर हैं और ये कौवे हैं। देखिए कितने खुशी से यहाँ दाना खा रहे हैं लोग। यहाँ मॉर्निंग वॉक के समय दाना दे जाते हैं और ये कितने खूबसूरत है। सभी बहुत ही स्वस्थ हैं और यही शहर में दिखाई देते तो बहुत कम दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं तो इसलिए ये पक्षी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और हमारी ये कोशिश रहना चाहिए कि पक्षियों को अधिक बनाए रखने के लिए वृक्ष लगाएं और हर घर के पास एक वृक्ष हो तो बहुत बढ़िया हो। ये कबूतर हमारे यहाँ दिखाई दें, कौवे दिखाई देंगे। कौवे हैं खूब जो कि बेचारे जंगल की तरफ दौड़े हुए हैं और शहर से हट गए हैं। शहर में बेचारों की कोई दाना वगैरह कुछ नहीं मिल पाता है। मोर भी यहाँ देखिए खूबसूरत है। और ये अरावली हिल्स की चोटियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और कबूतर भी हैं, सब तरह के पक्षी हैं। आप सुबह सुबह आके यहाँ मॉर्निंग वॉक करें और आपको देखने बड़ा खूबसूरत नज़ारा लगता है। सैटरडे तो अच्छा लग रहा है। तो देखिए नेचुरल वे रहे हैं, प्रकृति वे जो हम लोगों ने नहीं खाए होंगे। और ये देखिए ये लगे हुए हैं, वही मैं खा रहा हूँ। देखिए वाह, पूरे 25 साल बाद खाने को मिले हैं। इधर दिखाइए कैमरा मैन, ये देखिए ये पे
ये देखिए बेल लगे हुए हैं, ये प्रकृति बेल हैं। ये देखो मोर, मोर है मोर नहीं है, कौए हैं, वो चहलकदमी कर रहे थे। तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, काफी अच्छा लगता है। गेहूँ के ज्वार, अलवेरा, आंवला, करेला, करौंदा, कच्ची हल्दी, अदरक, गिलोय, जामुन के पत्ते, नीम, तुलसी, बनाओ भाई, एक एक गिलास बनाओ यार, तीन गिलास पहले का बनाया, अभी बनाया, हरी सब्जियों का जी कड़ुआ है लेकिन स्वास्थ्य कारक है। करेला मिला है? करेला, हाँ करेला, आंवला, सब्जी, नींबू रखे, नींबू, नींबू चलो बाद में दे देना,